क्या फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कपड़ों की दुकान का उद्घाटन किया? कमाल हो गया। और ये क्या, टीवी सीरियल के निर्माता की पत्नी ने एक साथ 13 बच्चों को जन्म दिया और फिर भी निर्माता नाखुश क्योंकि उन्होंने 26 की उम्मीद की थी। क्या हो? क्या है प्रकाश, क्यों अभी तक ऐसे ही बैठे हो? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चलो क्या जल्दी क्या है, जल्दी क्या है? हमें आज मीटिंग में जाना है, याद नहीं तुम्हें? अब याद है, मुझे कोई मीटिंग में नहीं जाना। अरे कैसे नहीं जाना, हमारी सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग है, हमें जाना ही पड़ेगा। मगर मेरी बॉडी में पेन है। अच्छा कहाँ, क्या हो गया प्रकाश? जनरल बॉडी पेन। अरे चलो उठो जल्दी से, अगर हम लोग मीटिंग में नहीं गए तो हमारे घर की प्रॉब्लम सोसाइटी वालों को बताएगा कौन? क्या कह रही हो तुम, क्या हो गया तुम्हें रुक्मणी? क्या तुम चाहती हो कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटी में बताए? लाइफ में प्राइवेसी नहीं रही। ओफो प्रकाश, हद करते हो तुम। मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात कहाँ कर रही हूँ, मैं तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, मतलब अपने घर के, जैसे कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सफाई, ये सब बातें बतानी है कि नहीं? अच्छा ये बात है, तो जाओ, इस घर का मालिक होने के नाते मेरा ये हक मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ, मत भूलो कि तुम एक जागृत भारतीय नारी का उदाहरण हो, आदर्श हो। सोसाइटी और मीटिंग दोनों को हिला दो, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स तेजाब की तरह उनमें फैला दो। जाओ और अपने आर्गुमेंट्स की गूंज से सोसाइटी की दीवारों में दरारें पैदा कर दो। जाओ और फतेह का झंडा गाड़ो, जाओ और मुझे सोने दो। अरे वाह, क्या आइडिया निकाला मुझे उल्लू बनाने का। चलो उठो, चलो। ओफो रुक्मणी, तुम समझती क्यों नहीं हो, आज संडे का रोज है, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर सोचते रहते कि तुम ना होती तो ऐसा होता, तुम ना होती तो वैसा होता। जाओ। ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक न्यूज़ तो है, हाँ ये अनुपम खेर के बचे हुए बालों का 2 करोड़ का बीमा। ये अपनी एक्टिंग का बीमा क्यों नहीं करवाता? बालिनी लगता से बाहर गए। अब आप लोग एक एक करके अपना प्रॉब्लम मुझे लिखवाइए। अरे आप मैंने इनको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? ये जनरल बॉडी मीटिंग है प्रकाश, तुम्हें फुर्सत नहीं थी ना, इसलिए मैंने सबको यहाँ बुला लिया। इतना ख्याल करती हूँ ना तुम्हारा। अच्छा आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी चाय बना के आई। मैं भी अभी आया। अरे प्रकाश जी, प्रकाश जी वहाँ क्या करते हैं, इधर आके बैठने का, शर्माते क्यों? गर आपका जी। नहीं नहीं, मैं तो आप लोगों को मिलने आने ही वाला था, मैं बड़ा उत्सुक था आपको मिलने के लिए। आप ऐसा कीजिए ना, आप लोग सब बैठिए आराम से, चाय वाय पीजिए, नाश्ता बहुत अच्छा बना दी रुक्मणी, मैं अभी आया। प्रकाश जी आप आइए ना, प्लीज बैठिए। अरे आप सोसाइटी के सीनियर मेंबर हैं, आइए बैठिए। नमस्कार, आपके बगैर मीटिंग कैसे हो सकती है? बैठिए बैठिए। चाय कहिए। हाँ प्रकाश जी, इस तरह से टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलकर इस सोसाइटी को मजबूत बनाना है। मैं अपने शेयर बाजार की जनरल मीटिंग छोड़ करके आया, पता है आपको? देखिए आप सोसाइटी का रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, कितना प्रॉब्लम पाने का। पानी ला रही हूँ मैं। ये पानी का बात नहीं करते हम, वो पानी का बात करते जी, सोसाइटी का पानी। अब हम अकेला क्या क्या करेगा? भैया पहले मुझे ये बताओ कि मेरे कुत्ते को बार बार पत्थर कौन मारता है? नहीं नहीं, पहले हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, पहले आप अपनी प्रॉब्लम लिखवाइए। अभी देखो हमारा जो बंगला है ना, सोसाइटी का एकदम ये बाजू में, एकदम एंड में, वो हमारा सोसाइटी का मेन गेट है, वो एकदम वो बाजू में। कितना लंबा पड़ता है, कितना त्रास होता है नाम को। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये दोनों का बीच में एकदम बस सर्विस चालू करो, फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं, इससे अच्छा आइडिया तो मेरे पास है, क्यों ना हम हमारी सोसाइटी का जो मेन गेट है उसे वहां से उखाड़ के आपके घर के सामने ठोक दे। नहीं नहीं, अरे मेरे कुत्ते को मेन गेट के कलर्स पसंद नहीं है, वो उन्हें देख करके रोने लगता है। देखिएगा मिश्रा जी, पहले आप अपने कुत्ते का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। डेली अर्ली मॉर्निंग हमारा गार्डन में आकर सुजू करता है। अरे भाई कुत्ता है, खंबा देख करके मन ललचाएगा कि नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम वह शीर्षासन करता हूँ और वो हमको खंबा समझता है। अरे हाँ,
ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, इसे सॉल्व करने में ही बड़ी देर लगेगी, तब तक मैं इधर अपना काम करके आता। प्रकाश जी खिसकने का कोशिश मत करो, हम क्या बोलते हैं ये पानी का जो ग्रेट प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का। हाँ हाँ, पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि 24 घंटे के लिए हमें कुआं क्यों नहीं खोद लेते हमारी सोसाइटी में। काई को प्रकाश जी, जरा सोचो, सुबह की लाली माँ छाई होगी, इमली से चमकाए हुए पीतल के घड़े सर पे रख के हमारी सोसाइटी की पन्हारियां ठुमक ठुमक करती हुई कुएं पे जाएगी पानी भरने। मोए पन गट पे नंद लाल चढ़ गई। मालिक नहीं है कि ये तुम क्या करते जी, किधर भी गाना चालू कर देते, इसलिए हम तुमको बड़ा बड़ा मीटिंग में साथ लेकर नहीं जाते। चुप। करेक्ट है प्रकाश जी, कुआं का बात तो सही, लेकिन एक बात थोड़ा डिसाइड करने का, ये कुआं किसका घर के पास होना। ये बड़ा अहम सवाल है, आप लोग ऐसा कीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि कुआं किसके घर के सामने होगा, तब तक मैं अभी आया। हमको गोलमाल गोलमाल नहीं करने का, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। पहले ये बताइए, मेरे कुत्ते को रोज रोज पत्थर कौन मारता है? ऐसे ना यार, तुम और तुम्हारा कुत्ता है, मेरे को बोर मत करो। कैसी बातें करते हैं आप, एक कुत्ते की खातिर आप रिजाइन कर रहे हैं? यार क्या करूं, रात को 12 बजे फोन करके पूछता है कौन मारता है पत्थर। कुत्ता फोन करता है रात को? अरे नहीं, ये फोन करते हैं। अब बताइए बताइए, कोई मेरे दिव्य शक्ति को पत्थर मारेगा तो मैं फोन करके पूछूंगा नहीं क्या? दिव्य शक्ति? क्या कहा आपने, दिव्य शक्ति? ये आपके कुत्ते का नाम है? मेरा पोमेरियन, उसका पेट नेम है दिव्य शक्ति। अच्छा अच्छा, पेट नेम है, आपका पेट नेम क्या है? टॉमी। क्या नाम है ना, दमदार टॉमी। भाई लोग, एक सुझाव दूं मैं, अब जबकि सेक्रेटरी साहब ने इस्तीफा दे ही दिया है तो ये मीटिंग यहाँ खत्म होती है, अगली मीटिंग इलेक्शंस के बाद होगी, है ना? मैं चलू। पहले ये बताओ, कुत्ते को पत्थर किसने मारा? नहीं नहीं नहीं, पहले बस का देखो, पहले पानी का प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं, गेट के गला मत लो, गेट के गला मत लो। देखिए, आप अपने कुत्ते को बांध कर रखिए। क्या आप इसे पार्लियामेंट समझ रहे हैं, जिस तरह लड़ रहे हैं? ऐसी होती है मीटिंग? फिर कैसे होती है मीटिंग? अरे मीटिंग में नए नए सुझाव आते हैं, नए नए सॉल्यूशंस आते हैं, सेक्रेटरी का चुनाव होता है, ऐसी होती है मीटिंग। बता। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। आप लोग बैठिए 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 सब लोग। अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि नए सेक्रेटरी के चुनाव के लिए कौन किसका नाम प्रपोज करता है। भाई मैं तो अपने इनका नाम प्रपोज करती हूँ। इनका? इनका कौन है? इनका मतलब तुम्हारा। अरे सबके सामने तुम्हारा नाम कैसे लूं मैं, कितना पागल है ना प्रकाश। प्रकाश जी, आप बन जाइएगा ना सेक्रेटरी, हम कब तक इनके कुत्ते से डरकर शीर्षासन करता रहूंगा। नहीं नहीं, मैं सेक्रेटरी नहीं बन सकता। प्रकाश जी, आप मुझे इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करिए, अब आप सेक्रेटरी बन जाइए। नहीं प्लीज प्रकाश जी, नहीं भाई। प्रकाश बन जाओ ना सेक्रेटरी, मेरा भी स्टेटस थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो मैं सेक्रेटरी बन जाता हूँ, लेकिन 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 सिर्फ एक साल के लिए। हाँ, अब मैं चलूं? नहीं, इस देश में लोकशाही, डेमोक्रेसी। कौन बोला? हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो मैं इलेक्शन के बिना सेक्रेटरी कैसे बने जी, इलेक्शन तो होना मांगते हैं। ठीक है, तो हम आज हमारी कमेटी के सारे सदस्यों के सामने ये वचन देते हैं कि हमारी सोसाइटी की सारी समस्याएं हल होने के 6 महीने के अंदर ही हम इलेक्शन घोषित करेंगे। अरे वाह प्रकाश, तुम तो बिल्कुल नेता की तरह बोलने लगे। ये प्रकाश जी, ये तुम घोषणा कैसे करते जी, अभी तुम सेक्रेटरी की तरह बने जी, हम खड़ा होगा जी तुम्हारे सामने इलेक्शन में। हम सपोर्ट करता है जी। वोट फॉर रंगनाथन। ये क्या हो गया है रंगनाथन, तुम्हें, तुम मेरे सामने, अपने दोस्त के सामने इलेक्शन लड़ोगे, चुनाव लड़ोगे? दोस्ती दोस्ती की जगह पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह जी। ठीक है, तो फिर चुनाव भी हमारा होगा, पार्टी भी हमारी होगी और जीत भी हमारी होगी रंगनाथन। तुमने हमारी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखना। प्रकाश जी, ये कौन से फिल्म का डायलॉग जी? अच्छा लगा ना? अच्छा, सौदागर सौदागर। ये सौदा तुमको बहुत महंगा पड़ेगा जी। रंगनाथन, प्रकाश प्रकाश। अरे प्रकाश, तुमने वो सारा भाषण याद कर लिया ना? रुक्मिणी,
इस देश में राशन पे भाषण है, लेकिन भाषण पे कोई राशन नहीं है। अरे वाह, क्या ओरिजिनल डायलॉग है प्रकाश। सर ऐसे करो तो। अरे बाप रे, तुम तो बिल्कुल मिस्टर भारत लग रहे हो। सच? हाँ। मेरा नाड़ा ठीक करो ना। बेटे, हमारे देश के नेताओं के बेटों के नाड़े हमेशा ढीले रहते हैं, समझे? देखो ना ये क्या, तुमने सारी फैमिली को पॉलिटिसाइज कर दिया। अरे कॉस्ट्यूम तो ठीक होनी चाहिए ना। प्रकाश सुनो ना, अरे वो देखो, आ जाओ, चलो चलो। ओए तू ही हो मद्रासी रंगनाथन, रक्षण में खड़ा होने का, चल बैठ जा। ये तो प्रकाश जी हैं, प्रकाश जायसवाल। ओह माफ करना, आजकल पॉलिटिक्स में चेहरे से मालूम नहीं पड़ता कि शरीफ कौन है और बदमाश कौन। लेकिन ये कौन है? ये भाई है। भाई रुक्मणी, तुमने आज तक ये राज मुझसे छुपाए रखा कि तुम्हारा एक और भाई है। नमस्ते साले साहब। ये वैसा वाला भाई नहीं है। तो कैसा वाला भाई है? ये भाई है। भाई? अरे पब्लिक को जरा दबिश में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। अच्छा अच्छा, वो वाला भाई क्या? ठीक है ठीक है, शाम को मीटिंग है, अपन पब्लिक का इंतजाम करता है। वेरी गुड। पैसा ला, पैसा। पैसा? इलेक्शन में पैसा तो लगेगा ना। यानी फरेब, धोखा, बेईमानी जनता के साथ? नहीं। ओ बहन, इससे नहीं होने का, ये तो कोई नौसिखिया लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रकाश इसे देखो, इसे देखो। किसे देखूं? देख तो रहा हूं। पढ़ रहा हूं ये प्लेकार्ड, विदेशी ताकत से बचने के लिए प्रकाश जायसवाल का हाथ मजबूत बनाओ, और निशानी देखो, मुट्ठी। विदेशी ताकत? क्या हो गया है तुम्हें रुक्मणी, यहाँ विदेश की ताकत कहाँ से आई? अरे पड़ोस की सोसाइटी। पड़ोस की सोसाइटी? ऐसे कहना पड़ता है प्रकाश। क्यों? इलेक्शन में ऐसा करना पड़ता है, पड़ोस की सोसाइटी का खौफ दिखाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे नेता पड़ोस के देश का खौफ नहीं दिखाते। अच्छा अच्छा अच्छा, याद है याद। अच्छा अच्छा, अभी दोबारा एक बार रिहर्सल करो। मैं नर्वस हूँ। अरे करो ना। अच्छा हाँ, राइट, गुड। रेडी? रेडी। सज्जनों तथा सन्नारियों, मैं यहाँ आप लोगों को भाषण देने नहीं आया। हमारे इस महान देश में, सोसाइटी में, हमारी इस महान सोसाइटी में पानी का जो प्रॉब्लम है उसे हल करने का हमने एक अनोखा उपाय सोचा है। हमने सोचा है कि हमारी सोसाइटी के हर एक घर में, हर एक बाथरूम में। मिसेस मिश्रा। अरे अरे अरे, मिसेस मिश्रा कैसी हैं आप, इतने दिनों बाद, कब आई कब आप? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो प्रकाश। क्या? आगे बढ़ो। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? बाथरूम में। बाथरूम में? बाथरूम में क्या? बाथरूम में बाल्टी वाली। बाल्टी बाथरूम? हाँ हाँ, तो हमारी सोसाइटी के हर एक घर के हर एक बाथरूम में हम बाल्टी के बराबर, बाल्टी की साइज का एक कुआं खुदवाएंगे, ताकि हमारी इस महान सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम कभी ना हो। बोलो प्रकाश जायसवाल जिंदाबाद। प्रकाश जायसवाल जिंदाबाद। ये क्या जिंदाबाद जिंदाबाद करते जी? अरे ये क्या जी, ये पानी का समस्या बात छोटे से बात, हमारे एरिया में सबसे प्रॉब्लम का बात क्या जी? हम सफर करते हैं, तुम लोग सफर करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम बताने का? वो प्रॉब्लम इस एरिया में बिजली बार 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 जाते है, कितना नुकसान होता हम लोगों को जी, कितना तकलीफ। तो हम क्या सोचा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर सोसाइटी, हम सब घरों में एक एक जनरेटर फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेगा जी। भाइयों 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 और बहनों, भाइयों और बहनों, अरे जनरेटर तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, पूछिए क्यों? क्यों पूछिए? क्योंकि उससे, क्योंकि जनरेटर लगाने से प्रदूषण होता है, प्रदूषण बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, और हम गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले इंसान हैं, इसलिए हम सोसाइटी में जनरेटर की बजाय गोबर गैस का प्लांट लगाएंगे और उसमें से बिजली पैदा करेंगे। बोलो प्रकाश जायसवाल जिंदाबाद। प्रकाश जायसवाल जिंदाबाद। प्रकाश जायसवाल जिंदाबाद। यह तो
हम जिंदाबाद जिंदाबाद क्या बोलते जी? आप भी कुछ बोले? ये प्रकाश गारू को जरा पूछो, ये आज तक पता लगा है कि कन्ना साहब के कुत्ते को पत्थर कौन मारता? तो फिर ये सेक्रेटरी क्या बनेगा जी? ठीक बोले। कुछ बोलो ना तुम। हाँ। कन्ने के कुत्ते की। भाइयों, बहनों, सज्जनों, सन्नानियों, अरे हम कल रात को ही सोच रहे थे कि खन्ना के कुत्ते को पत्थर क्यों मारा जाता है। इंसान इंसान से और कुत्ता इंसान से और इंसान कुत्ते से इतनी नफरत क्यों करता है? अगर हमें चुन लिया गया तो हम कुत्ते को भी सिखा देंगे कि पत्थर का जवाब ईंट से दे। हम उसे ये भी सिखा देंगे कि मनुष्य के कौन से अंग में काटने से सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। थोड़ा हमारा बात सुनने का जी, ये क्या जी, ये कुत्ता और पत्थर को छोड़ो, थोड़ा आगे का मसला सोचने का, सीरियस प्रॉब्लम। ये प्रकाश गारू को पूछने का, ये बोले है कि देशपांडे जी के बंगले तक बस सर्विस चालू करेगा। चालू किया? नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। लेकिन हम तुम लोग को प्रॉमिस करते हैं, 6 महीने के अंदर हम 12 डब्बे का लोकल ट्रेन चालू करेगा इनके घर के सामने विद पेंट्री सर्विस। ताली बजाने का। क्या बोलूं मैं? पापा, आप बोलो, एरोप्लेन सर्विस चालू करेंगे। भाइयों, हाँ हाँ, भाइयों भाइयों सुनिए, भाइयों और बहनों, अभी अभी मेरे चुनाव को लेकर मशहूर नेता अभिनेता श्री शत्रुघ्न सिन्हा ने एक खास पैगाम भेजा है। हाँ। आप लोगों के नाम, उसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा ने भेजा है। हाँ। इनके लिए। बच गए हिंदी में। वो कहते हैं, प्रकाश तुम देश का उजाला हो, मरे को लाश कहते हैं, दही पानी का छास कहते हैं, और रोशनी को प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश को झकास कहते हैं। आप सब प्रकाश को ही वोट दे। हाँ। बिहारी बाबू की कसम। आप सबको बिहारी बाबू की कसम। देखो देखो जी, मालिनी मालिनी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया जी। ऐसा करते घर चलते हैं, घर चलकर डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स में आगे क्या मूव चलने का। चलो जी। भाभी, हम रंगनाथन। सॉरी सॉरी। क्या भाभी, चोट लगे? अरे तुमको चोट लगता, हमारे दिल को बहुत दुख होता भाभी। ये तुम क्या करते भाभी? दिखता नहीं है तुम्हें रंगा? मैं प्रकाश का पोस्टर लगा रही हूँ, वोट फॉर प्रकाश जायसवाल। कितना क्यूट लगता है ना मेरा प्रकाश। सॉरी भाभी, बोले जाओ अभी से, बोले जाने का भाभी, बोले जाओ इसको। क्या कि ये क्यूट लगता था लेकिन अब क्यूट नहीं भाभी। क्यों? ये बड़ा नेता बन गया ना भाभी, तो आज सोसाइटी, कल म्युनिसिपैलिटी, परसों विधानसभा, फिर लोकसभा। और तुम्हारा मुंह क्यों शोक सभा जैसा हो रहा है? भाभी थोड़ा रुकने का, देखना तुम्हारा मुंह भी ऐसा हो जाएगा। क्या है, जब प्रकाश बहुत बड़े नेता बन जाएंगे ना, तो तुम्हारे लिए तो उनके पास एक सेकंड का टाइम नहीं रहेगा। तुम इधर लोगों का भीड़ में खो जाएगा भाभी, इधर सड़क पर। हमारे नेता प्रकाश जायसवाल। प्रकाश जायसवाल। हमारे नेता प्रकाश जायसवाल। उसके बाद तुम दोनों के बीच दिन रात समाज सेवा, पार्टी मीटिंग, इलेक्शन, तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जाएगी भाभी। घर में बात बात पे झगड़ा होगा भाभी। क्या तुम प्रकाश को नहीं जानती? मैं जानते, वो बहुत एम्बिशियस, वो इधर जीत गए ना भाभी तो लोकसभा के लिए जरूर जाएगा। तुम वो फिल्म नहीं देखे, आज का MLA? वो हीरो किधर से किधर गया, तो भाभी उधर तो आज का MLA, और घर में क्या, गुंडा राज। मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा रंगा, मैं क्या करूं बताओ ना प्लीज। भाभी हम एक बात बोले। हाँ। तुम खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? मैं
भाभी क्या है कि तुम इंटेलिजेंट है लेकिन एम्बिशियस नहीं है, तुम इधर सोसाइटी में जीत गया ना तो तुम्हारा पॉलिटिक्स इधर रहेगा, आगे क्या नहीं सोचेगा तुम? हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं लड़ू? हाँ, लड़ने का भाभी, लेकिन मैं कैसे लड़ सकती हूँ, मैं जीतूंगी नहीं। क्या बात करते भाभी, वो मार्गरेट थैचर, इधर मैडम इंदिरा गांधी, ये लोग कैसे इलेक्शन लड़ते कैसे जीतते नहीं जानते। बात तो सच है, मैं लड़ू इनसे। मैं वोट देगा भाभी। वोट देंगे? प्रॉमिस प्रॉमिस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार पता चला है कि सोसाइटी के इलेक्शन के हालात और भी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। श्रीमती रुक्मणी जायसवाल यानी कि हमारी माता भी इलेक्शन लड़ रही है। इस इलेक्शन में जीत पिल्ले की होती है, रुक्मणी जायसवाल की या प्रकाश जायसवाल?